नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ कीमत का गांजा वाहन सहित बरामद हुआ है। इस गांजे की खेप को आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश के आगरा ले जाया जा रहा था। मिनी ट्रक में गांजे के 37 प्लास्टिक के बोरों को 12 टन केले के नीचे छिपाकर इस गांजे की तस्करी की जा रही थी। इसी दौरान बुधवार की रात बिक्की फैटी तिराहे की नदी सिपरी लिंक रोड पर एक मिनी ट्रक मुखबिर की सूचना पर देखा गया। इसमें पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। मिनी ट्रक में चालक सहित 3 लोग सवार थे। पुलिस ने जब बारीकी से इस ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 37 प्लास्टिक के बोरे मिले, जिन्हें खोलकर देखा गया तो उसमें गांजा भरा हुआ था। सभी प्लास्टिक बोरों में 24-24 किलो गांजा था, जिसका कुल बजट 888 किलोग्राम बताया गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपियों के पास से केले से भरे ट्रक को भी जब्त किया गया है। तीनों आरोपियों से गांजे को लाने और उसके ठिकाने लगाने तक की पूरी जानकारी ली जा रही है। यह ट्रक आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से रवाना हुआ था। झांसी रोड थाने की पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये क्राइम ब्रांच और थाना झांसी रोड की पुलिस ने मिलकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 9 क्विंटल के आसपास गांजा है और गांजामय वाहन के इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर की है। इसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के, 1 उत्तर प्रदेश का है। ये राजमुंद्री नामक स्थान जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से ये गांजा लेकर और आगरा लेके जा रहे थे। इसमें खास बात यह है कि इस ट्रक में केला लदा हुआ था और लगभग ये 25 क्विंटल के आसपास इन्होंने बिल्टी बनवाई थी, जिससे कि गांजा इसमें कंसील किया जा सके, छुपाया जा सके। गांजे का वजन 9 क्विंटल है और बाकी पूरा वजन केले का था, जिससे कहीं चेक हो या किसी तोल कांटे पे तोला जाए तो वजन बराबर मिले, परंतु उसमें गांजा छुपा हुआ था। और जब ये हमें पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी, जब केले हटाए गए और काफ़ी नीचे जाके ये ट्रक में पूरे तलहटी पे पूरा गांजा बिछाया हुआ था और इसको जो कि बोरों में था, इसको सीज किया गया है और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई थाना झांसी रोड में की जा रही है। और ये एक बहुत ही अच्छा कैच था, जिसमें IG महोदय ग्वालियर द्वारा 20,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड टीम को दिया जा रहा है। इसमें एडिशनल SP क्राइम, दोनों DSP साहिबान क्राइम के, TI झांसी रोड और जो सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी पूरी टीम है, इनने बहुत मेहनत की है। और जो इसमें मास्टरमाइंड है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व में भी NDPS के केसेस में उस पर अभियोजन चल चुका है। और ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके बारे में भी हम संबंधित थानों से जानकारी ले रहे हैं कि क्या इनका कोई पूर्व रिकॉर्ड है या नहीं।